प्रूव कर चुके हैं, आप मूवी आपकी कांस जा चुकी है, कांस में आके जीत के आ चुकी है, लेकिन फिर आपने ऑडिशन दिया इस रोल के लिए अनुराग कश्यप साहब को, प्लीज टेल अस दैट स्टोरी। मुझे फोन आया था अनुराग सर का एंड उन्होंने कहा था कि ऐसी फिल्म बना रहा हूँ रमन राघव जिसमें एक सीरियल किलर है और एक कॉप है, तो मैं कॉप के लिए तुझे सोच रहा हूँ, पर मेरे जहन में और भी 3-4 नाम है, सो आई वॉन्ट यू टू गिव अ टेस्ट ऑडिशन। ऑडिशन तो दे एंड 5 दिन बाद मुझे ऑडिशन देना था एंड छाबड़ा जी ने ऑडिशन लेना था मेरा, तो दो सीन्स दिए गए थे मुझे। तो अब सर ने उस फोन कॉन्वर्जेशन में मुझे एक हल्का सा ब्रीफ दिया था कैरेक्टर का, और फिर उस ब्रीफ देने के बाद मुझे कहा कि पर तूने जिंदगी में ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे कुछ हो गया, मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा अब तो पूरी कोशिश करूंगा अगर हो सका तो। फिर बट ही वॉज ट्रू टू द पॉइंट्स दैट ही वॉज मैंशनिंग कि वाई ही वॉज स्केप्टिकल अबाउट इट, एंड फॉर दैट मुझे लगा कि कुछ कुछ अलग एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मैंने ऐसी, मुझे पता नहीं था वो हेल्प करेगा या नहीं करेगा, बट फॉर 5 डेज देन आई लॉक माई सेल्फ इन अ रूम, लाइट्स नहीं ऑन करता था, पर्दे बंद करके बस बैठा रहता था एंड मोबाइल ऑफ कर दिया, फैमिली से बात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं वो नहीं। तो 4-5 दिन वैसे गुजरे और बाय द एंड ऑफ इट आई वाज वेरी इरिटेटेड। मुझे बस था यार मैं ऑडिशन दे दूँ, मैं वापस सिविलाइजेशन में आना चाहता हूँ, मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ। उसके बाद 5 दिन बाद मैंने ऑडिशन दिया 12 बजे के करीब दोपहर को छाबड़ा जी के ऑफिस में, एंड मैं घर जा रहा था खुशी खुशी कि ऑडिशन हो गया, चलो फैमिली के पास जाते हैं, एंड उसी दौरान फ़ोन आ गया कि अनुराग सर आए हुए हैं, उन्होंने फुटेज देखा है तो तुझे बुला रहे हैं, एंड मैं वापस आया एंड मैंने सोभिता के साथ ही ऑडिशन दिया था, मैंने और सोभिता ने साथ में दिया था, वी आर सिटिंग टुगेदर, एंड तब अनुराग सर ने डिटेल में कैरेक्टर के बारे में, स्टोरी के बारे में पूरा एक तरीके से नरेशन दिया। तो मुझे लग रहा था कि ये इसलिए दे रहे हैं कि अब बेटा रीटेस्ट देना अब, क्योंकि तुझे पता है कहानी क्या है, कैरेक्टर क्या है, अब रीटेस्ट देना। तो मैं उस तरीके से मैं सुन रहा था एंड एंड में उन्होंने बस कह दिया अच्छा बाय द वे आई एम लॉकिंग यू फॉर द पार्ट, एंड इट्स लाइक तो मैं, क्योंकि मेरी जर्नी इनके साथ शुरुआत हुई है एक्चुअली अनुराग सर एंड नवाज भाई बोथ, बिकॉज गैंग्स ऑफ वासेपुर में एडी था एंड 10th मतलब लास्ट एडी हुआ करता था, एंड नवाज भाई के सामने क्लैप्स देना, इनको बुलाना सर शॉर्ट रेडी आ जाओ, एंड टू दिस डे व्हेन आई हर्ड कि तुम ये फिल्म कर रहे हो, इट वॉज जस्ट टू स्पेशल फॉर मी कि मुझे रजिस्टर नहीं हुआ, एंड देन वी केम टू फैंटम ऑफिस एंड आई मेट नवाज भाई, सब कुछ बड़ा सरियल था उस दिन। जहाँ मतलब 5 मिनट के लिए हमारा 3G से 2G हो जाता है फोन, और मतलब सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है सबकी, वहाँ पे 5 दिन के लिए आपने खुद को सिविलाइजेशन से दूर रखा। नवाज सर डेडिकेशन सर फॉर द रोल ना।